ताजमहल दक्षिणी गेट के व्यापारी पिछले कई सालों से बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। साउथ गेट से एग्जिट पॉइंट होने की वजह से यहां पर पर्यटक नहीं पहुंचते हैं। यही वजह है कि यहां के व्यापारी पूरे दिन पर्यटकों की राह देखते हुए नजर आते हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। 25 फरवरी 2017 का वह दिन ताजमहल दक्षिणी गेट के व्यापारियों के लिए किसी श्राप से कम नहीं है, क्योंकि उसी दिन गेट को सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों के एग्जिट के लिए ही खोल दिया गया। पर्यटकों की एंट्री ना होने की वजह से यहां मौजूद व्यापारियों का धीरे धीरे व्यापार खत्म होता जा रहा है। आलम यह है कि सुबह से शाम तक व्यापारी पर्यटकों की राह ताकते नजर आते हैं। ऐसे में व्यापार न चलने की वजह से वहां मौजूद व्यापारियों का घर का खर्चा निकलना भी मुश्किल हो गया है, और यहां तक कि कुछ व्यापारी तो यहां से पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। सन 2016 के अंदर ताजमहल के दक्षिणी द्वार को बंद कर दिया गया, यहाँ से सिर्फ एग्जिट होती है और वो भी सिर्फ 5 बजे तक, जबकि दोनों द्वारों से सनराइज़ टू सनसेट एग्जिट होती है और एंट्री मिलती है। लेकिन यहाँ पर ताजमहल के साउथ गेट पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके साथ मतलब दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो काम करते हैं, उन लोगों को भारी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। ताजमहल का दक्षिणी द्वार सबसे सेफ द्वार है, तो हम तो इंतज़ार करते हैं कि शायद कोई भगवान ऐसा एंजल भेजेगा जो इस गेट का उद्धार कर पाए, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग आज थोड़े थोड़े से बिजनेस के लिए, मतलब एक एक पर्यटक के लिए तरसते हैं और सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को बिना बौनी के दुकान बंद करके चले जाते हैं, तो क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन गरीबों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर? नाम के लिए चल रहा है गेट, काम के लिए गेट नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। कारोबारी हिसाब से यहाँ पे नील है, सब बेकार है, परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत मोहताजी काम रहेगा यहाँ पे। कोई आ गया तो आ गया, आ गया तो फिर भीड़ हो जाती, आइए 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 सब खींचने लगते हैं, इसी सिलसिले में कस्टमर और भी सारा चला जाता है, वापस हो जाता है, और बाकी तो सब मालिक की मर्जी है, जैसा मालिक करेगा वैसी होगा। दक्षिणी गेट के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिणी गेट को समय से खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि एंट्री न होने की वजह से यहां से लोग नहीं गुजरते हैं, जिसका सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ रहा है। ऐसे में सुबह सूर्योदय के 2 घंटे बाद गेट खुलता है, तो वहीं शाम को सूर्यास्त से 2 घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से व्यापारी पूरी तरह से बेहाल हो गया है। ऐसे में कोरोना की मार झेल रहे व्यापारी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी पर जो संकट छाया हुआ है उसे दूर किया जाए। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सबसे लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।